So, today we are going to learn about GI system disorder, that is peptic ulcer. Term peptic, ये जो word है, ये digestion को indicate करता है. Digestion word सुनते ही हमारे दिमाग में आता है GI system और digestive system. तो ये peptic ulcer जो disease condition होती है, इसमें वो part involved होते हैं जो digestion में involved होते हैं, like stomach, ड्यूओडेनम एंड इसोफेगस. तो ये पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम के. अगर इनके म्यूकस मेम्ब्रेन में अल्सर का फॉर्मेशन होने लगे तो उस कंडीशन को हम पेप्टिक अल्सर्स कहते हैं. आपने अभी देखा कि पेप्टिक अल्सर्स स्टमक के साथ साथ इसोफेगस और ड्यूओडेनम में भी होते हैं, क्योंकि स्टमक ड्यूओडेनम और इसोफेगस से अटैच होता है. सो अब हम पेप्टिक अल्सर्स की डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं. इट इज डिफाइंड एज अ ब्रेकडाउन इन कंटिन्यूटी ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ ड्यूओडेनम, इसोफेगस एंड स्टमक, और अ ब्रेंच इन लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्रोड्यूस्ड बाय डाइजेशन ऑफ म्यूकसा बाय पेप्सिन एंड एसिड आर प्रेजेंट इन एबनॉर्मली हाई कॉन्सेंट्रेशन. ये जो पेप्टिक अल्सर्स की डेफिनेशन है, इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग समझ गए होंगे. जैसे अभी हमने लास्ट स्लाइड में बताया कि स्टमक, ड्यूओडेनम और इसोफेगस की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, इसमें ब्रेकडाउन हो जाता है, और अगर ये ब्रेकडाउन हो गया तो उस कंडीशन को हम पेप्टिक अल्सर्स कहते हैं. अब हम पेप्टिक अल्सर्स के टाइप देखते हैं. आप लोगों को पता है पेप्टिक अल्सर्स डाइजेस्टिव सिस्टम के तीन पार्ट में इन्वॉल्व होता है, तो उन्हीं पार्ट के नाम से पेप्टिक अल्सर्स के टाइप है. फर्स्ट गैस्ट्रिक अल्सर, सेकेंड ड्यूओडेनल अल्सर, थर्ड इसोफेगियल अल्सर. हम इन टाइप पर थोड़ा टाइम बाद डिस्कस करेंगे. अब हम पेप्टिक अल्सर्स होने के कॉजेस देखते हैं. फर्स्ट वन, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है पेप्टिक अल्सर्स होने का, वो है एच पायलरी इन्फेक्शन. जब हमारी बॉडी में एच पायलरी इन्फेक्शन होता है तो हमारा जो स्टमक के प्रोटेक्टिव म्यूकस मेम्ब्रेन है वो SCL से स्टमक को प्रोटेक्ट करती है. इसमें एच पायलरी इन्फेक्शन से डिस्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से SCL हमारे स्टमक वॉल को डैमेज करता है और पेप्टिक अल्सर्स होने के चांसेस इंक्रीज करता है. नेक्स्ट कॉज है SCL का सिक्रेशन ज़्यादा अमाउंट में होने की वजह से पेप्टिक अल्सर्स हो सकते हैं. नेक्स्ट, एक्सेसिव यूज ऑफ स्टेरॉइड ड्रग. अगर कोई पर्सन स्टेरॉइड ड्रग ज़्यादा अमाउंट में खाता है तो हमारी बॉडी SCL का सिक्रेशन इंक्रीज कर देती है और फिर पेप्टिक अल्सर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. हेवी स्मोकिंग से पेप्टिक अल्सर्स हो सकता है, क्योंकि स्मोकिंग वाले प्रोडक्ट्स में बहुत सारे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो SCL का सिक्रेशन हमारी बॉडी में इंक्रीज करते हैं. नेक्स्ट, इमोशनल स्ट्रेस. जब हम कोई इमोशनल स्ट्रेस वाली कंडीशन में होते हैं तो हमारी बॉडी SCL ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करती है. नेक्स्ट कॉज है हाइपरसेंसिटिविटी ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा अगेंस्ट SCL. कोई कोई पर्सन में SCL के लिए हाइपरसेंसिटिविटी होती है और ये मोस्टली बाय जेनेटिक डिफेक्ट होता है. लास्ट कॉज है स्पाइसी फूड इनटेक. जो लोग ज़्यादा अमाउंट में स्पाइसी फूड खाते हैं उनमें पेप्टिक अल्सर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. अब हम हमारा लास्ट पॉइंट कंटिन्यू करेंगे, जो है टाइप्स ऑफ पेप्टिक अल्सर्स. फर्स्ट गैस्ट्रिक अल्सर. अगर अल्सर स्टमक में फॉर्म होते हैं तो उसे हम गैस्ट्रिक अल्सर्स कहते हैं.
सेकेंड ड्यूओडेनल अल्सर। अगर अल्सर ड्यूओडेनम में फॉर्म होते हैं तो उसे हम ड्यूओडेनल अल्सर कहते हैं। थर्ड ईसोफेगियल अल्सर। अगर अल्सर ईसोफेगस की मेम्ब्रेन को अफेक्ट करता है तो उसे हम ईसोफेगियल अल्सर कहते हैं और ये यसेल के रिफ्लेक्स एक्शन से होता है। ये तो हो गए लोकेशन वाइज पेप्टिक अल्सर्स के टाइप, बट यहाँ पर एक और टाइप है जिसके अकॉर्डिंग हम पेप्टिक अल्सर्स का डिवीजन करते हैं और वो है अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड और अकॉर्डिंग टू सिवेरिटी। फर्स्ट एक्यूट पेप्टिक अल्सर, सेकेंड क्रोनिक पेप्टिक अल्सर। एक्यूट पेप्टिक अल्सर शॉर्ट ड्यूरेशन होते हैं और एक्यूट अल्सर सिर्फ म्यूकस मेम्ब्रेन को अफेक्ट करते हैं और कुछ टाइम बाद ठीक हो जाते हैं, पर क्रोनिक पेप्टिक अल्सर्स होते हैं जो म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ साथ मस्कुलर मेम्ब्रेन को भी अफेक्ट करते हैं और ये बहुत टाइम के लिए होते हैं और इसका ट्रीटमेंट नहीं किया तो पेप्टिक अल्सर्स की सिवेरिटी और ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है। अब हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पेप्टिक अल्सर। जैसे हमें पता है ड्यू टू इटियोलॉजी ऑफ पेप्टिक अल्सर और ड्यू टू ड्रग अल्कोहल और कॉफ़ी की वजह से स्टमक का एच सेल का लेवल इंक्रीज होता है और म्यूकस मेम्ब्रेन का म्यूकस सिक्रेशन डिक्रीज हो जाता है। फिर एच सी एल का लेवल इंक्रीज होने पर म्यूकस मेम्ब्रेन ब्रेक होती है और गैस्ट्रिक म्यूकसा में एसिड एंटर होता है और पेप्टिक अल्सर्स डेवलप होता है। तो ये हुई गैस्ट्रिक अल्सर्स की पैथोफिजियोलॉजी। अब हम देखेंगे ड्यूओडेनल अल्सर्स की पैथोफिजियोलॉजी। जब हम फास्ट रखते हैं तो ड्यू टू फास्टिंग जो विगस नर्व होती है वो स्टिमुलेट हो जाती है। फिर एस सी एल की लेवल इंक्रीज होती है क्योंकि विगस नर्व एस सी एल को कंट्रोल करती है। अब जब एस सी एल का सिक्रेशन इंक्रीज हो गया है तो एस सी एल म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज करके ड्यूओडेनल अल्सर डेवलप करती है। अब हम देखेंगे पेप्टिक अल्सर्स और ड्यूओडेनल अल्सर के डिफरेंसेस। फर्स्ट गैस्ट्रिक अल्सर जो होते हैं वो स्टमक में डेवलप होते हैं और ड्यूओडेनल अल्सर जो होते हैं वो ड्यूओडेनम में डेवलप होते हैं। सेकेंड इंजरी लाइक अल्कोहल एस्पिरिन और कोई ड्रग जिसकी वजह से गैस्ट्रिक अल्सर डेवलप होते हैं बट ड्यूओडेनल अल्सर जो है वो फास्टिंग की वजह से डेवलप होते हैं। थर्ड गैस्ट्रिक अल्सर जो है वो लेफ्ट एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन करते हैं बट ड्यूओडेनल अल्सर जो है वो राइट एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन करते हैं क्योंकि स्टमक लेफ्ट एपिगैस्ट्रिक रीजन में प्रेजेंट होता है और ड्यूओडेनम राइट एपिगैस्ट्रिक रीजन में प्रेजेंट होता है। फोर इन एपिगैस्ट्रिक अल्सर नोशिया इज कॉमन बट इन ड्यूओडेनल अल्सर नोशिया इज रेयर। फाइव ओमिटिंग विथ ब्लड ऑकर इन गैस्ट्रिक अल्सर, इसमें स्टमक के पूरे मेम्ब्रेन ब्रेक होती है तो रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से ओमिटिंग में ब्लड आता है बट ड्यूओडेनल अल्सर में ऐसा नहीं होता। जैसे गैस्ट्रिक अल्सर्स में ओमिटिंग में ब्लड होता है तो वैसे ही ड्यूओडेनल अल्सर्स में स्टूल में ब्लड प्रेजेंट होता है। सेवन इन केस ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर देयर इज अ वेट लॉस बट इन ड्यूओडेनल अल्सर देयर इज नॉट एनी काइंड ऑफ वेट लॉस। एट जब हम कुछ खाते हैं तब दो या तीन घंटे बाद एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन होता है बट जब ड्यूओडेनल अल्सर्स होते हैं तो खाना खाते से पेन स्टार्ट होता है। नाइन गैस्ट्रिक अल्सर्स में पेन एक प्लेस पे दूसरी प्लेस पे नहीं जाता बट ड्यूओडेनल अल्सर में पेन अपनी जगह से दूसरी जगह जाता है लाइक रेफरल पेन। ये हो गया डिफरेंस ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर्स एंड ड्यूओडेनल अल्सर्स। अब हम देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स।
फर्स्ट पेन, जैसे एक पर्सन ने खाना खाया, उसके 2 या 3 घंटे बाद अगर पर्सन का पेट दुखने लगे तो ये एपिगैस्ट्रिक अल्सर की वजह से हो सकता है। बट अगर पर्सन ने खाना खाते से उसके पेट में पेन होने लगे तो वो ड्यूओडेनल अल्सर की वजह से होता है। मतलब अपने अम्बिलिकस के ऊपर वाले पार्ट में पेन होता है और चेस्ट में भी ट्रांसफर हो सकता है। और ये जो पेन होता है इसकी बर्निंग सेंसेशन होती है। नेक्स्ट हार्ट बर्न, बर्निंग सेंसेशन की वजह से पर्सन को हार्ट में भी जलन महसूस होने लगती है। डिस्पेप्सिया, खाना खाते टाइम पर्सन को स्वेलिंग की प्रॉब्लम होती है, वोमिटिंग में ब्लड प्रेजेंट होता है या फिर स्टूल में भी ब्लड प्रेजेंट होता है। एनोरेक्सिया, पर्सन को भूख नहीं लगती, पेन होता है, पर्सन को खाना खाने की इच्छा नहीं होती। ये एनोरेक्सिया के सिम्टम्स के साथ साथ पेशेंट को वेट लॉस भी होता है। एनीमिया, अगर पर्सन को बहुत टाइम तक वोमिटिंग या स्टूल में ब्लीडिंग होने लगे तो एनीमिया के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। अब ये तो बात हो गई साइन एंड सिम्टम्स की, अब हम देखेंगे डायग्नोसिस मेथड। फर्स्टली हम पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बेरियम मील एक्सरे थेरेपी। ये सारी डाइजेस्टिव डिसीज की कंडीशन को डायग्नोस करता है। इसमें स्टमक के प्रॉब्लम डिटेक्ट होते हैं। हम पेशेंट की एंडोस्कोपी भी कर सकते हैं और उसी के साथ ब्लड टेस्ट भी कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट में अगर WBC का काउंट इंक्रीज हुआ होगा तो ये इंडिकेट करता है कि हमारे बॉडी में कोई तो इन्फेक्शन हुआ है। अब हम आते हैं हमारे लास्ट पॉइंट पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, दैट इज मैनेजमेंट। और उसमें सबसे पहले हम देखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट। ड्रग एंटासिड जो होते हैं वो स्टमक में बने हुए SCL को ब्रेक करते हैं। सेकेंड एंटीमाइक्रोबियल ड्रग, एंटीमाइक्रोबियल ड्रग जो होते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारते हैं, लाइक कोई इन्फेक्शन हुआ होगा तो। थर्ड एच टू ब्लॉकर जो होते हैं वो H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं जो SCL का हाइपर सिक्रीशन करते हैं। फोर प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स, ये SCL का सिक्रीशन स्टॉप करते हैं। अब हम देखेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ ड्यूओडेनम पेप्टिक अल्सर। फर्स्ट वेगास्टोमी, वेगास्टोमी मतलब विगस नर्व जो होती है हम उसको कट कर देते हैं ताकि विगस नर्व से SCL का सिक्रीशन लेवल इंक्रीज ना हो। सेकेंड गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी, गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी में जो स्टमक और जेजुनम वाला पार्ट होता है उसको कट कर देते हैं अगर अल्सर की सिवियरिटी बहुत ज़्यादा हो तो। थर्ड गैस्ट्रोड्यूओडेनोस्टोमी, गैस्ट्रोड्यूओडेनोस्टोमी में स्टमक का लोअर पोर्शन रिमूव करते हैं। फोर सबटोटल गैस्ट्रोस्टोमी, इसमें स्टमक का हाफ पार्ट रिमूव करते हैं। फिफ्थ टोटल गैस्ट्रोस्टोमी, टोटल गैस्ट्रोस्टोमी में पेशेंट का पूरा स्टमक ही रिमूव कर देते हैं। ये जो सर्जिकल मैनेजमेंट है ये अगर पेशेंट बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंडीशन में हो तभी करते हैं। ये हो गया सर्जिकल मैनेजमेंट। अब हम देखेंगे डाइटरी मैनेजमेंट।
इन डाइटरी मैनेजमेंट वी जस्ट हैव टू एडवाइज पेशेंट टू अवॉइड समथिंग दैट इज अवॉइड स्पाइसी फूड अवॉइड ऑयली फूड अवॉइड अल्कोहल और एक्सेसिव इंटेक ऑफ टी एंड कॉफी एंड वी ऑल्सो एडवाइज पेशेंट टू गेट सम स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट फूड एंड एनकरेज फॉर प्लेंटी ऑफ फ्लूइड इंटेक. फर्स्ट पेन जैसे. थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड स्टे अपडेटेड फॉर द नेक्स्ट वीडियो.